तो कैसे हो भाई लोग? यार आ गया आज तो मैं खुद के एक पेट शॉप में आ गया, तो यहाँ पे मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा कि आज हम लोगों के पास में यहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। और यह बहुत दिनों से पेट शॉप ये लॉकडाउन की वजह से बंद था, आज जस्ट खोले हैं हम लोगों ने, बहुत खुशी हो रही है। और मेरे सारे बर्ड्स, मेरे कैट्स, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा आज। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि आज बहुत गंदी हालत में है, क्योंकि कैसे शॉप खोल नहीं पा रहे थे हम लोग, जिस वजह से बहुत सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा अस्त व्यस्त दिखेगी। तो यार प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो एडजस्ट कर लीजिए, तो चलते हैं हम लोग, मेरी शॉप का पूरा वीडियो लेते हैं डिटेल में। करें कि हम लोगों के पास कौन कौन से कैट्स है। कैट्स में आप देख सकते हो, ये ब्लू आइज में कैट्स है, ये उसका बच्चा है, ये देखिए इसका मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी इनके बाल काटे हैं हम लोगों ने, ट्रिम किए, क्योंकि इसने बच्चे। अरे अरे अरे, चलो आ जाओ अंदर। बहुत दिनों से यहाँ पे डोबरमैन पपीज़ है। डोबरमैन पपीज़ के साथ में लैब का पपीज़ भी देखने को मिलेगा। पपीज़ एक्चुअली इसलिए अभी देखने को नहीं मिल रहा है आपको, क्योंकि मेन कैसा है ना यार, यहाँ लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन की वजह से मैं ज़्यादा चीज़ें यहाँ ला नहीं पाया। बाकी तो ये कैट्स हैं हमारी, कैट्स आप देख सकते हो, इनमें बहुत सारी कैट्स खुली भी रहती है। ये रैट्स है, वाइट रैट्स, जो लोग चाहते हैं, जो घर में पालना चाहते हैं उनके लिए वाइट रैट्स। तो आ गया, ठीक है रखते हैं। ये अरवाना, ये एक्चुअली मेरी बहुत पुरानी अरवाना है, तो इसको, ये नॉट फॉर सेल है, इसको सेल करना नहीं है। पॉट्स अभी पूरे साफ़ होने के, या लॉकडाउन की वजह से ये साफ़ सफाई का भी बहुत बड़ा इशू आया था, तो साफ़ सफाई हुई नहीं है पॉट्स। जोले इधर आ, जॉली इधर इधर। ये जॉली, ये मेरी सबसे फर्स्ट डॉगी है, अभी तो ऑलमोस्ट एज वाइज बहुत ज़्यादा बुढ़ी हो चुकी है। आगे आइए, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फूड्स है, फूड्स, ये भी बहुत पुरानी बिल्ली है मेरी, ये हो गई है ऑलमोस्ट, एज हो गया है उसका। फूड्स की भी आप सारी वैरायटीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप फूड्स देख सकते हैं, फूड्स सारे आपको वैरायटी के फूड्स मिल जाएंगे, जो कि अभी मेरे यहाँ ऑलमोस्ट यहाँ चोरी हुई थी, जिसके वजह से बहुत सा माल ख़त्म हो गया था, लेकिन अभी फिर से हम लोग स्टॉक भरना शुरू कर दिए। और आज से जैसे लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, तो अब फिर से स्टॉक भरना हम लोग चालू कर रहे हैं। और अभी साफ़ सफ़ाई पहले तो दुकान की करना है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें मुझे करना बाकी। आइए आगे, मैं बाकी भी चीज़ें आपको दिखा दूँ। ये मेरा एक मेल है, ये भी मेरा मेल बहुत पुराना है, और ऑलमोस्ट अभी इसकी भी एज हो चुकी है, ठीक है। आप आगे आइए, ये बाकी आप अगर जैसे डॉग्स के लिए आपको ट्रीट चाहिए या कोई चीज़ें चाहिए, जैसे आपको मान के चलिए बोन्स चाहिए या स्टिक्स चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाएगी। ये देखिए, ये भी एक मेरा बहुत प्यारा मेल है, ये भाई साहब दिन भर घूमते रहते इधर उधर। बाकी अगर इम्पोर्टेड पॉट्स में आपको चाहिए, तो इम्पोर्टेड पॉट्स भी हम लोगों के पास में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे पॉट्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे भी ये पॉट्स, यहाँ भी है पॉट्स, यहाँ पे भी पॉट्स है। अगर आपको पूरा पॉट कंप्लीट चाहिए, कंप्लीट सेटअप चाहिए, तो सेटअप भी मिल जाएगा, सिर्फ पॉट चाहिए तो सिर्फ पॉट भी मिल जाएगा। ये भी देखिए, ये टच में है, टच स्क्रीन में है, या टच करने से कलर्स चेंज होते हैं और कुछ नहीं। आइए, ये भी अगर आपको पूरा कंप्लीट पॉट का सेटअप चाहिए, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट पॉट का सेटअप भी मिल जाएगा। यहाँ यहाँ इसके अलावा बात करें आपको कैल्शियम, मल्टीविटामिन, ये भी सारी चीज़ें आपको हमारे पास में देखने के लिए मिल जाएगी। स्टोन्स, जो मल्टी कलर स्टोन्स रहते हैं या अलग अलग कलर के स्टोन्स रहते हैं, वो भी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगगी यहाँ पे। बाकी फिर फूड की रेंजेस है। उसके अलावा अगर बर्ड्स के लिए मैं बात करूँ आपको, तो बर्ड्स के लिए ये देखिए, इस टाइप के आपको हाउसेज मिल जाते हैं, जिसमें बर्ड्स अपने बच्चे या अंडे दे सकती है। और भी बहुत सारी वैरायटीज़ रहती है, अभी फ़िलहाल में मैं सारी चीज़ें आज इसमें कवर नहीं कर सकता हूँ। ये जैसे डॉग फूड्स है, डॉग फूड्स हम लोगों के यहाँ डॉग फूड्स बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, डॉग फूड्स जो है भरना पड़ता है, क्योंकि चूहे बहुत है शॉप में, तो चूहों की वजह से डॉग फूड्स अंदर में रखना होता है। इसके अलावा भी डॉग फूड्स की और कैट फूड्स की रेंज आपको यहाँ पर भी देखने मिल जाएगी। एक मिनट पापा, हाँ वो देखिए, वो सारे अंदर में पूरा आप देखेंगे तो सारे इसमें हम लोग डॉग फूड्स की पूरी रेंज मेंटेन करके चले, कैट फूड की रेंज मेंटेन करके चले, आप देख सकते हैं।
सारी चीज़ें। बड़े पॉट्स में अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोगों को बड़े पॉट्स भी देखने को मिल सकते हैं। वो देखिए जो बड़े पॉट्स हैं, ब्लैक वाला भी पॉट, ये भी, ये पूरा कैबिनेट के साथ में आता है नीचे तक, ठीक है, आ जाओ। अब बात करें यार, यहाँ डॉग्स तो मेरे कैनल पे है, यहाँ पे तो कुछ डॉग्स है अभी, दो तीन डॉग्स, जैसे जॉली को तो आप देख चुके हो, बाकी ये है हमारे कॉकर स्पैनियल, वो लैब्राडोर, ठीक है। बाकी ये जो है यहाँ पे तो डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर सालनकर करके हैं जो यहाँ पे बैठते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में वो है नहीं अवेलेबल यहाँ पे। अब लॉकडाउन खुल गया, अब सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, ठीक है। तो और बाकी कुछ भी रहता है यार तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हम लोगों के पास और क्या क्या चीज़ें। अभी कुछ दिनों में मैं फिर से स्टॉक यहाँ पे भरने वाला हूँ, तो आपको बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। बर्ड्स में अगर आप बात करें तो बर्ड्स में भी अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है, थोड़े थोड़े बर्ड्स है। ये अफ्रीकन बर्ड्स है, लुटिनो एक ही है इसमें, फिशर, तीन फिशर्स है, रोजी है दो। यहाँ बात करें कॉकटेल्स में तो कॉकटेल्स में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी अभी नहीं है क्योंकि जस्ट शॉप खुला है, तो अभी मैं यहाँ पे स्टॉक लाऊँगा बर्ड्स। इनमें से मुझे यार ये लव बर्ड्स को ना ट्रेन करना बहुत पसंद है, लेकिन अभी फ़िलहाल में समय ना होने की वजह से मैं वो सारी चीज़ें नहीं करता हूँ। मैं कैट्स के साथ में खेलना बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल में वही सारी चीज़ें हैं कि समय ना होने की वजह से। हैमस्टर्स अगर आप लोग देखना चाहें तो हैमस्टर्स भी है हमारे पास में अवेलेबल आपको, यानी बाकी सारी चीज़ें जो भी पेट्स आपको लगते हैं सारे पेट्स आपको मिल जाएंगे। आप एक बार शॉप के तरफ नज़र डालिए, पूरे पॉट्स वहाँ पे भी लगे हैं, फिंचेस भी है, फिंचेस भी बहुत खूबसूरत बर्ड होती है, ठीक है। तो इसके आगे अब जो भी आएगा नया स्टॉक उस दिन मैं वीडियो बनाऊंगा, तब तक के लिए यार थैंक यू, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। चलिए।